थोड़ा गैप रखना है। आज हमारे साथ हमारे प्रधान जी अंबुआ के, इनको थोड़ा चुप कराओ। कोई बात नहीं, कोई कन वासियों, जय गौ माता की। आप सभी के सहयोग से जो रोज का ये लॉकडाउन के चलते हुए आज हम नंगल जरियाला में जो प्रवासी हमारे मजदूर हैं उनको जगह जगह पर आज पिछले 7-8 दिनों से हमारे युवा बच्चे जो हैं जो बड़े मेहनत से ये इनका खाना तैयार कर रहे हैं हमारे गांव अंबुआ नंगल जरियाला के घर घर से जो चपातियां बनकर के आ रही हैं आप देख रहे हैं। हमारे जितने ये बच्चे युवा लड़के काम कर रहे हैं और दौलतपुर चौक से लेकर आज हमारे बच्चे जो हैं मुबारकपुर के नज़दीक जो है बहेड़ी गांव है वहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं गन्हारी में मावा कोहला में नंगल जिराला में इन सभी को दोपहर का खाना जो है विधिपूर्वक तरीके से खिलाया जा रहा है। और भी गांव में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए सूखे अनाज का व्यवस्था जो है डेरा बाबा हरीशाह जी के दरबार की तरफ से की जा रही है। काफ़ी लोगों को आटा चावल दालें तेल और अन्य सामान साबुन कपड़े धोने वाला नहाने वाला साबुन ये सारी की जो है व्यवस्था जो है डेरा बाबा हरीशाह जी के दरबार की तरफ से की जा रही है। इसमें आप सभी का बहुत सहयोग है। आज हमारे गांव के प्रधान श्री युद्धवीर सिंह जी जो कि आज हमारे साथ हैं हम प्रधान जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं इनके हमारे साथ आने से हमारे युवा बच्चों को एक ऊर्जा मिली है। और मेरा सभी इलाका निवासियों से निवेदन है कि आप सभी इस कार्य के लिए आगे आएं। कल हमें चिंतपूर्णी से नारी गांव के हमारे श्री विनोद जी हैं जिन्होंने एक क्विंटल चावल 50 किलो आटा आलू और दालें और रिफाइंड की सेवा जो है वो इस लंगर के लिए दी है। और भी काफ़ी लोगों ने इसमें सहायता की है। मैं उन सभी परिवारों का धन्यवाद करता हूं जो रोज़ 10 चपातियां बना करके घर घर से दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि ये 10 फुलके अगर आप इन दिनों में दोगे तो आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी और आपको लगेगा एक बहुत बड़ा यज्ञ है। मैं सोचता हूं कि
एक क्वांटल चावल अगर हम भंडारा करते हैं, वो तो जो खाने आते हैं उनको खिलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो वैसे रज्जे होते हैं। अगर इन दिनों में जो आप आकर के इन प्रवासी मजदूरों का अगर हाल देखें तो बहुत कंडीशन ख़राब है। वाकया ही इनको खिलाने से आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी। तो मेरा सभी गाँव वासियों से परम निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फुलके जो हैं, आप 10 फुलके नहीं बना सकते हैं, आप 5 बनाइए, 5 भी नहीं बना सकते हैं, आप 2 दें, 2 नहीं तो एक फुलका तो एक घर से निकलना ही चाहिए। ये आपको मौका शायद भगवान ने दिया है, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा। तो हमारे युवा बच्चे कल घर घर आ कर के आपसे ये चपातियाँ इकट्ठी करेंगे। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय गौ माता की, जय गौ माता।